Hello dear student, so how are you all? Or homework ho raha hai ki nahi aapka? How's going your school? Online school actually. I hope aapko achha lag raha hai and you all are done with your classwork, right? So today I am here again with one activity. एक्टिविटी करने वाले हैं आज हम. तुम आपको पता है कौन सी एक्टिविटी है? सी हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्ले. सी हियर, कम सी हियर. दिस इज अ क्ले. दिस क्लेज आर इन रोलिंग शेप. दिस क्लेज आर इन अ बॉक्स. सी, दिस ऑल आर टूल्स. क्ले टूल्स है. इससे हम जो क्ले है ना उसको शेप देते हैं. ये क्या है? रोलर है. ये भी रोलर है. जब क्ले को हमें सीधा करना होता है तो हम ये रोलर यूज करते हैं. सो टुडे वी आर कंडक्टिंग क्ले मॉडलिंग एक्टिविटी. क्या करने वाले? क्ले मॉडलिंग एक्टिविटी. जो क्ले होते हैं उससे हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं, लाइक फ्लावर, टर्टल, डायनासोर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, राइट? तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप बना सकते हो. बट टुडे वी आर टेकिंग थ्री ऑब्जेक्ट्स. वन इज डस्ट, सेकेंड इज फ्लावर एंड थर्ड वन इज बटरफ्लाई. ओके, तो स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. सो सी हियर, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. As I told you, we are going to make butterflies. See, this is a duck. It is in a yellow color. Butterfly colorful tha. Duck ka color yellow hai. And that this is a flower. How's it? See here. So, hum aaj ye tin banane wale hai. Okay. So I'll teach you how to make butterflies, how to make dust, how to make flower. Okay, so let's start. First we will make a flower. So इसको मैं साइड पे करूंगी और ये जो फ्लावर मैंने दिखाया ना मैं आपको इसमें ही अटैच करके दिखाऊंगी. So for the make of flower, choose any kind of your favorite color. I like pink color. So I'm taking this pink color of clay. Pink color ka clay liya hai. Dekho. Yes. Abhi main kya karne wali hu? Uske petals banane wali hu. Aur ye beech mein jo gol gol bana ke lagaya hai na wo different colors se lena hai. To petal banane ke liye, petals banane ke liye main ye pink color liya hai aur main kya karne wali hu? उसके पांच ऐसे गोले बनाएंगे हम फर्स्ट. और ध्यान रहे कि ये ऑलमोस्ट सेम साइज में होना चाहिए. थोड़ा बहुत ठीक है पर अगर सेम साइज में रहा ना तो इट्स लुक गुड. नाउ उसको क्या करना है, हाथ में लेकर ऐसे गोले बनाने हैं. चलो टू रीड फास्ट फास्ट. सी, इस तरह से आपको गोले बनाने हैं. ठीक है. नाउ आई ऑलमोस्टली डन विथ माय क्ले पेटल. अभी मैंने ये गोले कर दिया है मतलब आधा पेटल्स का तो हो गया. अभी ये जो गोले थे उसको क्या करेंगे, इस तरह से दोनों हाथ के बीच में प्रेस करेंगे. ये देखो जेम्स जैसा दिख रहा है वैसे बनाना है. वापस उसको प्रेस करो. Yes. इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है. See? Yes. So, ये जो उसको प्रेस करके हमने रेडी किया उसको क्या करना है, इसी तरह से और फैलाकर उसको बड़ा करना है, थोड़ा सा पतला भी करना है. See? हो गया मेरा. देखो ऐसा था, उसको दोनों फिंगर और थंब के हेल्प से
मैंने ऐसा बनाया है, उसको रख दो और बाकी सारी को भी इस तरह से आप लोगों को बनाना है। फिर आगे हम पेटल को फोल्ड करके बनाने वाले हैं। सो उसके लिए आपको पहले ये जो क्ले है उसको इस तरह से फैला दो, स्प्रेड कर दो और थोड़ा सा पतला बना दो। देखो आई ऑलरेडी डन विथ थ्री, तीन मेरे हो गए हैं और एक ही बाकी है। सी हियर, ओके सो सी ये तीन। Look here, my circles are ready. See, there are five. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Now what we have to do? Take one circle and fold it एक साइड से इस तरह से उसको फोल्ड करो, ऐसे दिखना चाहिए। See and keep it in your mind. The all petals look in a almost same size. See, ज़्यादा फर्क दिख रहा है? No. See, almostly they are in same size. Again, I'll show you. जो कोई भी एक कोना होता है वहाँ से आपको ऐसे पकड़ कर यहाँ दूसरे हाथ का थंब रख कर ऐसे प्रेस करो। See. ओके इसको ठीक से हमें फ्लावर शेप में लगाना है। नाउ लुक फॉर द इन बिटवीन, आई टेक दिस येलो कलर जो बीच में लगाने के लिए। सी हियर, दिस इज अ येलो कलर। What I'll do? I'll make it circle और उसको गोला बनाऊंगी ऐसे circle shape में। क्या करना है? एक finger जो आपके pointer finger है और thumb के बीच में रखना है और उसको इस तरह से press करना है। Just press it and ये जो flower आपने रखा था उसके बीच में आपको स्लोली स्लोली पेस्ट करना है। हाउ इज लुक? नाउ टर्न टू मेक अ स्ट्रीम। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ग्रीन कलर। सी एज आई सॉ यू, जो बॉक्स में थे वही कलर। सो दिस इज अ डार्क ग्रीन कलर। नाउ उसको क्या करना है? जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना लो, ठीक है, और इस तरह से नीचे रखकर उसको रोलिंग करना है। सी, और एकदम पतला बनाना है। सेम एज आई शो यू, जैसे दिखाया था ना बिल्कुल वैसे। और उसको क्या करेंगे? जो पेटल्स थी उसके बीच में हम रखेंगे। नाउ टर्न टू लीव्स। सी फॉर दैट ऑल्सो आई एम टेकिंग दिस ग्रीन कलर। हियर आई एम मेकिंग टू लीव्स। ओके इफ यू वॉन्ट टू मेक मोर यू कैन ऑल्सो टेक मोर ग्रीन कलर्स और उसको इस तरह से सर्कल ज्यादा बनाने हैं। इस तरह से सर्कल करो, ठीक है, और उसको क्या करना है? इस तरह से प्रेस करके नीचे रखो और उसका कैसा शेप बनाना है? जो आपकी आईज होती है ना, जस्ट लाइक दैट आपको उसका आई शेप बनाना है। इफ यू लाइक अ डिफरेंट शेप देन यू कैन ऑल्सो मेक इट। अगर आपको दूसरा शेप पसंद आता है लाइक लिप्स, आपने देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं लिप्स के, ठीक है, तो मुझे ये करना है। सो आई एम मेकिंग दिस वन और उसको वन साइड पे मैं पेस्ट करूँगी। सेम एज लाइक दैट ऑल्सो
फिर दूसरा लिप बनाऊंगी मैं और उसको दूसरी साइड पर भी मुझे पेस्ट करना है। लग रहा है क्या थोड़ा थोड़ा लिप्स जैसा? क्या मिसिंग है? यस, जो बीच में हम कट्स के शेप्स दिखते हैं ना लिप्स में, वो। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस कटर। दिस इज अ प्लास्टिक कटर, जो क्ले लेते हो उसमें वो आता है। अगर आपके पास नहीं है सो यू कैन यूज आइसक्रीम स्टिक्स एज वेल, अदरवाइज ये भी नहीं है तो आप घर पर स्पून है, स्पून यूज कर सकते हो। ओके, सो क्या कर रही हूँ मैं, देखो ये आइसक्रीम स्टिक से मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको कट करना है। सी, अभी मैं ये कटर से करके दिखाती हूँ। Now what we have to do? ये जो फ्लावर्स थे ना, फ्लावर्स में भी थोड़े थोड़े हमें कट दिखाने हैं। इट्स लुक वेरी प्रिटी। जो फ्लावर होता है वो एकदम कलरफुल होता है, उसमें भी सम पैटर्न्स होती है, डिजाइंस होते हैं। सो नाउ सी हियर, आर फ्लावर इज ऑलमोस्ट रेडी। How it's look? Good. ये जो अभी बनाया, ये पहले बनाया था। It is look good, right? I hope you like it. Now we will make duck. क्या बनाएंगे? So इसके लिए हम इसको साइड पे करेंगे। Now see, time to make डक। देखो मैंने डक रेडी किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट फास्ट। सो फॉर मेक अ डक बाय क्ले वी आर टेकिंग दिस येलो क्ले। डक येलो कलर का रहता है ना? यस। सो हम ये येलो कलर का क्ले लेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी आर टेस्टिंग दिस क्ले इन टू पार्ट्स। ओके, वन पार्ट है उसको साइड पे रखो, ये जो एक पार्ट है उसको फटाफट से ऐसे सर्कल शेप दे दो। थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा आपको और वो सर्कल शेप बन जाएगा। करो 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 करो, फास्ट 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 फास्ट। नाउ सी हियर, आई एम डन विथ माय सर्कल, बॉल बन गया इसका। सो नाउ क्या करेंगे हम, इस तरह से पकड़ेंगे फिंगर और थंब के बीच में और कोई भी एक साइड से उसको ऐसा शेप देना है। जैसे डक को रहता है ना, सेम ऐसे ऐसे पकड़कर चपटा करना है, पतला बनाना है, थिन करेंगे और उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड पे खींचेंगे। सी, ये डक में मैंने दिखाया है, देखो इधर। सी हियर, ये बीच वाला पार्ट है, कैसे किया है मैंने, यस ये वाला, वैसे बनाना है आपको। थोड़ा बहुत फर्क होगा, देन ओके। सी, हो गया, टीचर ने रेडी कर दिया है। सी हियर, अभी उसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर रख रही हूँ और इसको क्या करना है, ठीक से शेप देना है। नाउ अब क्या करने वाले हैं, जो दूसरा क्ले था हमने हाफ पार्ट रखा था वो लेना है, उसके भी दो पार्ट्स करने हैं, सेम पार्ट्स। सो एक पार्ट साइड पे रखो और एक जो है उसका ऐसा गोला बनाओ।
पूरा ट्विस्ट करो उसको, और फिर वो एकदम से गोला ठीक से बनेगा, नहीं तो फिर इस तरह से उसमें दरार दिखेगी, क्रैक्स दिखेंगे। ठीक है, सी हियर। एंड आफ्टर यूजिंग द क्ले यू शुड हैव टू वॉश योर हैंड, ओके। इसमें केमिकल्स होते हैं। देखो मैंने फेस बना दिया है, अभी ये फेस को क्या करेंगे हम, इसकी आईज बनाएंगे, जो डक की आईज रहती है ना वो। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, वाइट कलर ले रही हूँ। सी हियर, वाइट कलर का क्ले है, उसको दो पार्ट के ऐसे छोटे छोटे गोले बनाने हैं, ऐसे प्रेस करो, उसको प्रेस करो, यहाँ पर रखो, फिर उससे भी थोड़े छोटे छोटे ब्लैक कलर के आपको क्ले लेने हैं। सी हियर, हाँ, उसको भी ऐसे गोल 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 करो, प्रेस करो, उसको यहाँ पर रखो। नाउ जो रेड कलर है, सी हियर, दिस इज अ रेड कलर, रेड कलर का थोड़ा बड़ा सा इतना क्ले लीजिए आप। उसको क्या करना है, ट्रायंगल शेप देना है। क्या करना है, ट्रायंगल शेप देना है। और जो डक की बीक रहती है वैसा आपको उसका शेप देना है। सी, सो व्हाट आई विल डू, ये जो बीक है उसको मैं इस तरह से कट करके भी उसमें लगा सकती हूँ। सी, ये मैंने बनाया, और ये जो आइस थी वो आइस को ऐसे लगाना है। सी, ये वाइट आइस के अंदर हमें छोटी वाली ब्लैक आइस भी पेस्ट करनी है। सी, जो हमारा डक है उसका फेस हमने रेडी किया है। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस टूथपिक। उसको कैसे पेस्ट करना है, ये जो हमने डक का बॉडी बनाया था, क्या करेंगे, पहले ये वाले स्टिक्स डक के बॉडी के बीच में जाने देंगे, और ये डक का जो फेस है उसको प्रॉपरली ऐसे हम लगाएंगे। सी हाउ इट्स लुक, क्या मिसिंग है इसमें और इसमें, ये उसके विंग्स। सो जो हमारे पास क्ले पड़ा है ना, अगेन वी आर मेकिंग देयर टू पार्ट्स, दो पार्ट्स वापस बनाओ उसके भी, सेम पार्ट्स। हाँ, गोला बनाओ फटाफट से। अभी उसका जो तिल होता है ना, तिल, यस, वैसा शेप बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरह से दबा दबा कर उसकी क्रैक को गायब करो, ओके, और सर्कल बनाओ, इस तरह से प्रेस करते जाओ, प्रेस करते जाओ, गोल 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 गोल, और थोड़ा सा उसको पतला करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, ठीक है। अभी क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा तिल शेप जैसे मैंने बोला वैसे करेंगे, वो पेटल्स का हमने बनाया ना फ्लावर में, ऑलमोस्ट वैसा शेप आपको बनाना है, पर उसको ट्विस्ट करना नहीं है। यस, देखो मैंने एक रेडी कर दिया है, अभी मैं दूसरा रेडी कर रही हूँ। चलो लेट्स डू इट। ओके, आवर डक इज ऑलमोस्ट रेडी। सी, मैंने उसके विंग्स रेडी कर दिए हैं। नाउ सी हियर व्हाट आई विल डू, जो ये कटर था ना मेरे पास, उससे मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह से उसमें कट के शेप्स दूंगी। सी, हाँ, नाउ सी, मैं उससे क्या करूँगी, ये एक वाला पार्ट है,
उसको यहाँ पेस्ट करूँगी और दूसरा वाला पार्ट है उसको यहाँ पेस्ट करूँगी। अगर आपका नहीं रह रहा है सो यू कैन ऑल्सो यूज टूथपिक और टच पिन। सी मैंने यहाँ पर ये टच पिन भी यूज़ किया है। सी अब ये नहीं निकलेगा। सी हियर सो आवर डक इज रेडी टू स्विम इन टू द वाटर। इट्स लुक प्रिटी। यस जस्ट लाइक यू। ओके सो यू हैव टू मेक इट एट योर होम। ओके नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ सी हियर व्हाट इज दिस। दिस इज अ बटरफ्लाई। नाउ वी विल मेक बटरफ्लाई। सो फॉर दैट वी रिक्वायर एनी काइंड ऑफ थ्री कलर्स येलो पिंक एंड पर्पल। आपको जो भी कलर पसंद है आप उसको लीजिए। ओके सो फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस ऑरेंज कलर येलो कलर एंड पैरेट ग्रीन कलर। अभी उसको आपको क्या करना है छोटे छोटे तीन गोले बनाने हैं। एक से थोड़ा सा बड़ा दूसरा और दूसरे से थोड़ा सा बड़ा तीसरा। ओके सो ये जो ऑरेंज है उससे बड़ा मैं येलो ले रही हूँ। देखो हल्का सा फर्क है ज़्यादा नहीं। और जो येलो है उससे बड़ा मैं ग्रीन ले रही हूँ। ओके नाउ सी उसको मैं सर्कल बना रही हूँ। ये जो ग्रीन कलर का है वो मैं फेस बनाने के लिए ले रही हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। नाउ सी ग्रीन से थोड़ा छोटा ये येलो है और येलो से छोटा ऑरेंज है। अभी ये येलो और ऑरेंज को हम क्या करेंगे पता है ऐसे बीच से प्रेस करेंगे। सी और क्या करेंगे एक दूसरे को पेस्ट करेंगे। अभी ये जो छोटा वाला था वहाँ पर हमने बटरफ्लाई का जो फेस बनाया है उसको पेस्ट करेंगे। सी ओके उसको यहाँ पर हमें रखना है। नाउ आई एम टेकिंग दिस पर्पल कलर। बीच कलर पर्पल कलर उसके पीछे के नीचे की जो पूंछ का पार्ट है ये वाला वैसा हम बनाएंगे उसकी टेल वाला पार्ट। सी और इस तरह से हम उसको क्या करेंगे प्रेस करेंगे। ओके नाउ वी आर मेकिंग आईज। आईज जैसे मैंने डक में दिखाई ना वैसे करनी है। बट नाउ हियर आई एम टेकिंग दिस ब्लैक कलर। जो बैकग्राउंड में वाइट थी उसकी जगह मैं ब्लैक कलर लेना चाहती हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस ब्लैक कलर। सी और जो वाइट कलर है वो मैं उसके अंदर लगाने वाली हूँ। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ऐड कर सकते हो। और ये जो वाइट वाइट छोटे छोटे दाने हैं वो मैं उसकी आईज में पेस्ट कर रही हूँ। नाउ सी हियर ऑलमोस्टली आवर आईज आर रेडी। नाउ उसके बाद हम क्या बनाएंगे उसके विंग्स। सी उसका जो माउथ है वो तो बाकी है
उसके लिप्स कैसे हो गए? रेड कलर के। तो एक छोटा सा रेड कलर लेंगे हम, उसको हल्का सा ऐसा रोल करेंगे और उसको ऐसे स्माइली शेप देंगे और उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सी हियर, दिखा? नाउ हम क्या करने वाले हैं? विंग्स बनाने वाले हैं। तो विंग्स बनाने के लिए वी आर यूजिंग दिस डार्क पिंक कलर। डार्क पिंक कलर है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दो ऐसे थोड़े से बड़े सर्कल बनाएंगे जो सेम साइज के होंगे और उसके बाद वापस उससे थोड़े थोड़े छोटे सर्कल दो लेंगे जो वो दो सेम होंगे। ये देखो ये दो सर्कल सेम है, ये उससे बड़े वाले दो सेम है। उसको सर्कल करो फटाफट और इसको भी आपको जैसे हमने डक्स के विंग में फ्लावर में शेप दिया था तील जैसा वैसा शेप करना है। अभी ये दो बड़े वाले लीजिए, चलो उसको सर्कल करो वापस इस तरह से। और उसको एक साइड से ऐसे शेप दो। बटरफ्लाई की विंग्स कैसी होती है? हाँ तो वो बड़ी वाली विंग्स यहाँ लगाओ, दूसरी बड़ी वाली विंग्स लो, सर्कल बनाओ, प्रेस करो, चलो फटाफट फटाफट। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके हाँ मेरी सेकंड विंग भी रेडी हो गई है और मैं इसको यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। अभी ये जो स्मॉल स्मॉल छोटे वाले रहे उससे हम छोटे विंग्स बनाएंगे। ओके जैसे ये बनाई हुई है सी, उसकी स्मॉल विंग भी रेडी है। उसको थोड़ा सा नीचे की साइड पे क्रॉस करके ऐसे लगाना है। इस तरह से एक मिनट, यस इस तरह से। और ये जो दूसरी विंग है उसको भी मैं फटाफट बना रही हूँ, उसको भी आपको इसी तरह बनाकर पेस्ट करना है। सी हुआ आउट लुक। ओके क्या मिसिंग है अभी? एंटीनास। सो फॉर मेक द एंटीनास आई एम यूजिंग दिस टच पिन और उसके हेड के पास मैं इस तरह से क्रॉस में लगा रही हूँ। सी और ये हमने पैरोट ग्रीन कलर लिया है फेस का, तो मैं पैरोट ग्रीन कलर के दो बॉल्स बनाऊंगी छोटे वाले और उसको भी मैं ये जो अपना एंटीना का जो टाच पिन लिया था उसके अंदर फेस करूँगी। You like it? Do you like it or not? So, I hope आपको अच्छा लगा होगा। Okay, so ये सब कुछ आपको घर पर बनाना है and you can make different types of things। जैसे कि आज हमने flower बनाया, duck बनाया, butterfly बनाया। You can also make the dinosaurs, tortoise, crab, octopus, table, chair, anything you like। तो आपको ये घर पर बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके नाउ से टू बाय बाय बाय।